लगती है। जल्दी नहा ले, नहाने के लिए इसको भेज रहे हैं। इतने नखरे हाइट देखो इसकी, इतना बड़ा हो गया है पर अकल बिल्कुल नहीं है अभी भी। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह अभी मैं जा रही हूँ छत में। छत में एक ग्रो बैग में ना मेरी छोटी छोटी सी मूलियाँ लगी है, तो मूलियाँ हार्वेस्ट करके आज मैं मूली की ना सब्जी बनाऊंगी और सिंपल जो भी बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी छत में चलते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, पहले मूलियाँ निकालते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाएंगे। तो बस जो भी आज का सिंपल जो रूटीन होगा ना वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। हुआ बोला, हुआ बोला। योर खाएगा अभी, हुआ नहीं चला। आप ही खा लेता हूँ। बाहर निकलते जे पेड़ लगो जे बाहर लग रही पेड़ पे जाओ तो सब्जी तो ही तो जी इतनी मूलियाँ जो है आज निकली है और अब इनको अच्छे से धोना है क्योंकि बारिश है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली है। तो पहले इनको बहुत अच्छे से धोऊंगी फिर काटेंगे। और फ्रेश फ्रेश मूली की सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए पहले मैंने इस तरह से पत्तों को काटना है और फिर मूली भी मैं इसमें काटेंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है और अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो सरसों का तेल इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा और अभी इसमें प्याज और एक दो मैंने हरी मिर्च काटी है। और सिंपल तड़का इसमें जैसे लगाते हैं ना वैसे ही लगाना है। और वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिल जाए। और ये सब्जी मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में, बहुत ज़्यादा पुरानी ये कढ़ाई है, उस जिस टाइम दिल्ली में हम रहते थे ना तो तब की है ये, तो पुरानी हो चुकी है। तो बस सब्जी अब देखिए इस तरह से कम स्लो गैस में इसको पकाना है। और अभी मेरे पास बैठा है किट्टू तो इसकी ना बातें चलती रहती है, कुछ ना कुछ ये बोलता ही रहता है। और ये ना मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, यानी कि मूली की सब्जी और सिंपल रोटियाँ। रोटियाँ भी मैंने लगा ली है। तो हम हिमाचली ज़्यादातर जो नाश्ता होता है ना हमारा सिंपल रोटी और सब्जी का ही होता है। और मेरे हस्बैंड का तो खासकर ऐसा ही होता है, यानी कि उनको रोटी ना मिले तो उनका नाश्ता तो फिर अधूरा ही लगता है, तो ज़्यादातर वो रोटियां खा लेते हैं। वैसे मैं और बेटा कभी कभी हम लोग ब्रेड खा लेते हैं तो हमें इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन पति देव जी तो हमेशा मतलब रोटी ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो जी ब्रेकफास्ट में आज बना है हमारे अपने गमले की मूली और सब्जी और ये रोटी। और अभी दे रही हूँ मैं है नमक चीनी, इसको भी आना है, आ जा। हाँ हाँ पता है मुझे, तुझे भी आना है, चीनी कम है। ठीक है, हेलो कर दो सबको। टेस्टी है। हाँ हाँ इसको भी खाना है, वो देखो ये तो सीधा ही ऊपर। चल आ जा। तो जी और अब मैं बना रही हूँ चाय कि ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय अच्छी लगती है। जल्दी नहा ले, नहाने के लिए इसको भेज रहे हैं। इतने नखरे करते हैं ना ये नहाने के लिए, ये देखो। जल्दी नहा ले फटाफट से, ठंडे हो जाएगा खाना बच्चे। चाय भी बन गई देख, नौटंकी जाओ
हाइट देखो इसकी, इतने बड़ा हो गया है पर अकल बिल्कुल नहीं है अभी भी। अबे जा, तुम्हें सारा रिकॉर्ड कर दी हूँ तेरा, देख ले उधर। ओ चला जा, मुंह आगे चाहिए भाई रोटी। आप ना दे रहे हैं। देखते हो आप, इसलिए मांगता है आपसे। दो दिन से आपने इसकी सारी आदतें बिगाड़ रखी है। अच्छा ही जाओ, वो फेंक रहा है, फेंक फेंक रहा है। अच्छा अंटी जी, अच्छा मैं खा तो लूँ, रोटी दूँ? हाँ रोटी दे, सब्जी। तो जी अब चाय भी हमारी तैयार है, और ये लो जी आपकी चाय। आजा बिट्टू। तो जी चाय मैं हमेशा ना ब्रेकफास्ट के बाद ही बनाती हूँ इनकी। सबसे पहले सुबह सुबह हमारे घर में चाय नहीं बनती है, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही चाय बनती है। तो ब्रेकफास्ट अब हमारा हो चुका है, और आज की वीडियो का भी अब मैं कर दूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे पास है किट्टू, क्या बोल रहे हो, बाय कर दो आप ही। हम्म, अभी बोलो, इतना बोल रहे थे। बाय।